तो आज हम दिखाएंगे सूरत की सबसे फेमस डिश पोंग और इस कैसे बनाया जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, जैसे पिटाई करके कैसे वेस्टेज अलग किया जाता है, पोंग के दाने को कैसे साफ किया जाता है, गर्म रेत में इसको कैसे भुना जाता है और इस डिश को कैसे तैयार किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। इसको गुजराती में पोंग बोलता है, ओके, और जो हिंदी में उसको, अरे मराठी में उसको हुर्जा बोलता है। और ये है ना, पोंग ठंडी की मौसम में ही होता है। कौन से सीजन में होता है? ये सियाला की ठंडी सीजन, यानी कि नवंबर की 20 तारीख से लेकर फरवरी तक माल पोंग मिलता है। आपका भाव बाजार 500 रुपये किलो है। अभी वो सूरत के बाजार में आप अरे दूसरी जगह पे जहाँ पे जब पोंग मिलता है वहाँ पे लोगों 600-700-800 1000 रुपये तक का भाव लेते हैं, लेकिन हमारा पोंग अगर से 500 से रुपया एक पर रुपया जाती नहीं लेते। एड्रेस क्या है? ये है ना, ये स्वामीनारायण मंदिर के सामने, सहिता सागर संकुल के पीछे और सड्डा ब्रिज के नीचे, सूरत गुजरात में से डूडा काट के लाता है। तो ये सूरत के सिवा कहीं मिलता है? मतलब और कहीं मिलता है? करजन में मिलता है, बाडोली मिलता है, लेकिन वहाँ लोग बहुत कम जास्ती भाव लेते हैं। 700-800 रुपया तक लेते हैं, लेकिन हमारा सूरत का बाजार में 500 से जास्ती कोई नहीं लेते। तो इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट, मतलब कहाँ से? ये पोंग की जवार है ना, और ये लोखंड की भट्टी में उसको सेकता है, और वो सहकारी घर सब लोग लकड़ से फटका मार के उसको दाना अलग करते हैं। अच्छा, सामने औरत लोग है वो उसको फ्रेश साफ साफ करता है। अच्छा, एकदम सफाई करके टेबल पे जाता है वहाँ कस्टमर के। ये रेती है कि क्या है? ये राख है, राख राख। तो करो ये नाओ और ऐसा हो जाएगा डबल फ्राई करके।